गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन है, इसमें 8 नहीं लिखा है बट आपको 8 लिखना है। ये 5 सितंबर का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 54। ये इस वीक की लास्ट वर्कशीट है। आप जानते हैं आज 5 सितंबर को क्या है? आज टीचर्स डे है। इस दिन डॉक्टर वल्लभ राधा कृष्ण का जन्मदिन था, तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें बस अगर आपको मुझे कोई गिफ्ट देना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को एंड मेरी सारी वीडियोस को लाइक कर दें, यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। जो बेंगलुरु में इशिता शर्मा रहती थी उसने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया था। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। जो गणेश मूर्ति विसर्जन हुआ था जो अभी हुआ था 1 सितंबर को, वह उस जल प्रदूषण के बारे में उन्होंने 6 साल पहले जाना था। ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की बनती है। ये मूर्तियाँ रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है, और ये मतलब डिस्पोज यानी अपघटन होता है इनका 1 महीना लग जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। अब मूर्तियां तो डालते हैं विसर्जन में, पर लोगों श्रद्धालु यानी लोग जो पूजा करते हैं उन्होंने पूजा सामग्री भी डाली ना, जैसे फूल डाला, धूप बत्ती डाली, बत्ती डाली और ऐसे चीज़ें भी डाली, एशेज डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव भी आए हैं। लोग अपने घरों में इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता शर्मा जो अपने जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के लिए आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है, और ये पूरी तरह से परमानेंट हितेशी हैं। और ये सारे जो उसके ऑनलाइन व्यूज़ हैं वो सारे परमानेंट हितेशी हैं, और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, और जो इसके पैसे हैं मतलब जो मूल्य हैं उसके वो भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने का सलाह देती है। वो किसी प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं यानी मटेरियल्स होते हैं उनसे बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। उसका कहना है मतलब जो इशिता शर्मा है उसका कहना है कि जो पर्यावरण से मिलने वाला जो आहार होता है मतलब पर्यावरण से मिलने वाला जो रंग होते हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, या फिर जो हमारे किचन में हमने जो वर्कशीट पहले की वर्कशीट की साइंस की वर्कशीट में पढ़ा था, जो पहले की वर्कशीट में बताया था कि घर में प्राकृतिक रंग कैसे निकालें, तो उसमें से हम कलर निकाल सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के रचनात्मक तरीके से जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियाँ और अखबार जैसे जैव निर्मीकरण जो सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब जो लोगों ने जो मूर्ति बनाना स्टार्ट करी है वो चॉकलेट थी, चॉकलेट से कौन सा ब्राउन कलर बन जाएगा, लाल मिट्टी से रेड बन जाएगा, सब्जियों से उसने ऐसे ऐसे लोगों ने कलर स्टार्ट करे जो सूक्ष्म जीव द्वारा जल और मीथेन से बनते हैं ना, जो प्राकृतिक होते हैं वो कलर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं 3 डायग्राम दे रखे हैं। ये क्या बना है इनमें आप देख सकते हैं, इनमें गणेश जी बने हैं, तीनों में गणेश जी बने हैं। एक में गणेश जी पत्तों के बने हैं, एक में फलों और सब्जियों के, और एक में अखबार के। तो हम तीनों गणेश जी को एकदम गौर से देखते हैं, आप देखते हैं। तो फर्स्ट गणेश जी हमें दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट गणेश जी देखिए पत्तों से बने हैं, बहुत प्यारे हैं, और ये विसर्जन के लिए भी लाभ ही है, और अगर हम इनका विसर्जन करेंगे तो नदी प्रदूषित भी नहीं होगी। सेकेंड गणेश जी देखे हैं कि लोगों ने कैसे बनाया, तो आप देख सकते हैं ये फलों के बनाए गए हैं, फलों और सब्जियों के। तो ये देख सकते हैं आप, ये केला है, केला है, ये भी केला है, ये सेब है देख सकते हैं, ये गाजर है और ये मिर्ची है। तो फलों और सब्जियों के मिलके बनाया है लोगों ने, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत क्रिएटिव आइडिया है ये गणेश जी बनाने का, और मूर्ति विसर्जन के लिए भी लाभी है। अगर कोई इसे मूर्ति को विसर्जन भी कर देगा तो किसी भूखे का पेट भी भर जाएगा, अगर ये खा लेगा तो। थर्ड देखते हैं, थर्ड मूर्ति आप देख सकते हैं अखबार की बनी है, अखबार से गणेश जी बनाए गए हैं। देखिए ये उनकी सूंड है, ये उनके कान है, ये उनका पेट है और ये उनके पैर है,
और ये उनके हाथ है, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे कागज़ तो इजीली डिस्पोज हो जाता है, तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा जल्द में। तो चलिए आगे वर्कशीट चलते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया, आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं? तो अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है इस पूरी वर्कशीट का। आपने ये पूरी वर्कशीट देखी, तो अब हमें कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते हैं हम। फिर लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए जो पदार्थ यूज़ करे थे, तो वो उपयोग शुरू कर दिया है या नहीं करा, और आपको क्या लगता है ये इन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, और वो उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वर्कशीट में भी दिखा सकती हूँ मैं। वर्कशीट में इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहा, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, मिट्टी, सब्जी और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिए। तो ये अगर आपको इजी सा आंसर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना आपको मैं आपको अपना लाइव सॉल्यूशन भी दिखा दूँगी जिससे आपको ईजी है आंसर करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं जो आपके लिए सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। उत्तर नंबर 1, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए जैव निम्नीकरण पदार्थों जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियों और अखबार का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वह इन वस्तुओं का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जल को प्रदूषण से बचाया जा सके। तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? कि जल प्रदूषित ना हो, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा वर्कशीट पूरा कंप्लीट होता है, सॉरी हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमें, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। तो ये है पदार्थ, अब इन्हें हमें जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो सबसे पहले जैव निम्नीकरण करते हैं, तो प्लास्टिक क्या अजैव, प्लास्टिक जैव है अजैव है, तो प्लास्टिक अजैव है। तो सब्जियां है जैव और अखबार है जैव, और जो अजैव है उस पर मैं लाल टिक करूँगी, ये अजैव है। तो फर्स्ट है अजैव, फिर जैव, फिर जैव, फिर अजैव, तो ये कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन बता दूँ, जैसे आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है वैसे आपको लिखना है। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जैव निम्नीकरण सब्जियाँ अखबार और अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक और कांच। तो ये आंसर कंप्लीट होता है हमारा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। तो आपको बता दें बाई जो जो जैव निम्नीकरण होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो अजैव निम्नीकरण होते हैं वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो सब्जी इजीली डिकम्पोज हो जाएगी, अखबार भी हो जाएगा, पर प्लास्टिक आप देखते हैं हज़ारों सालों, 10,000 सालों, करोड़ों सालों तक खराबी मतलब पड़ा ही रहता है, कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो हमें इसके इनका हमने पढ़ लिया, तो कांच भी नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं वर्कशीट पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? अब जो पूजा होती है उसमें कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, आपको ये बताना है। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। अब जो पूजा मतलब मूर्ति के साथ जो लोग पूजा सामग्री भी डालते हैं, जैसे टीका हो गया, धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, और ऐशेज हो जाती हैं जो धूप बत्तियों की, वो हो गई ऐशेज समझ से बच्चे, मतलब जो राख होती है वो, तो जिससे नदियाँ प्रदूषित हो जाती है ना, तो वो अपशिष्ट पदार्थ डालना चाहिए नहीं पूजा सामग्री में, कौन से अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं? तो उसमें आ जाएगा अगरबत्ती, धूप बत्ती की राख और ऐशेज, ये सब आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। अब जो ये कचरा है इसको निपटाने का तरीका बताना है हमें, ये जो पूजा सामग्री का जो कचरा आएगा उसको कैसे निपटाएं। तो चलिए इस वर्क इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, उत्तर 3, अगरबत्ती, धूप बत्ती की राख तथा फूल माला
आदि पूजा सामग्री अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाला जाता है। तो ये जो ये आपको ये चार दिख रहे हैं, ये चार, ये तीन है, ये पूजा सामग्री नदियों में डाली जाती है। और इसके निपटारे का सबसे अच्छा तरीका है गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाए ताकि मिट्टी में मिल जाए। अब हम जब विसर्जित करते हैं तो विसर्जित करने के बाद हम उसे पानी से जो क्या बोलते हैं माला वगैरह वो निकाल लें और उसे गड्ढे करके डाल दें, जिससे भगवान भी रुष्ट नहीं होंगे और हमारा नदी भी प्रदूषित नहीं होगी। तो ये हमारा आइडिया बहुत अच्छा है। आप अपनी नोटबुक में से सेम एज नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप वर्कशीट पर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ये आपको मैं पूरी वर्कशीट दिखा देती हूँ। तो चलिए, अब आपका आज का क्वेश्चन है कि ये आपको तीन डायग्राम मैंने बताए, ये तीनों गणेश जी के डायग्राम हैं। आपको बताने मैं नंबर टिक कर देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। आपको तीनों में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और आपको आज टीचर्स डे की यानी शिक्षक दिवस है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि शिक्षक दिवस से देखती हूँ मैं बच्चों कितने बच्चों ने सब्सक्राइब करा मुझे। मैं देखूँगी कि जितने व्यूज़ आएंगे उतने सब्सक्राइब हुए नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा रहता है कि किसने सब्सक्राइब करा और किसने नहीं करा। तो मैं अब देखूँगी कि कौन कौन बच्चा टीचर्स डे पर सब्सक्राइब करेगा मुझे और मेरी वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए, कंप्लीट हो गई है हमारी वर्कशीट। मेरी वीडियो को देखने के लिए वेल थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। आज जो कमेंट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा है इसमें इसका आंसर कर देंगे बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।